यहाँ पर हम लोग जोर जोर से बोल रहे हैं राम जय श्री राम जय श्री राम। अगर वहाँ पर जय श्री राम बोलेंगे तो हम लोग को बोल रहे जैसे राम का नाम ले रहे हैं, मतलब कोई भूत का नाम ले लिया ऐसा दिख रहा था, गाली दे रहा है। मतलब भारत वर्ष में ही रहकर राम का नाम लेने में डर है, डर है। ऐसा क्या सोच रहे हैं? अगर हमारा मंदिर था, हमारा घर था, हमारे पास कागज है, हमारा घर दखल करके रखा था किसी ने, हम घर आज वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। किसी का मस्जिद हम लोग नहीं ले रहे जी। आदिना मंदिर था, उसी मंदिर था जी, ठीक, उसमें प्रमाण मिला है तो किसी को मस्जिद बना दिया गया था, हम किसी का मस्जिद नहीं ले रहे, ये सोच गलत है। ये एक प्रूफ दे दीजिए, एक प्रूफ दे दीजिए, एक सनातन ने कोई मुस्लिम भाई को गर्दन से उड़ा दिया हो, मारा हो, कोई प्रूफ दे दीजिए, हम मान लेंगे। लेकिन हम लोग प्रूफ दे सकते हैं, सनातनी का धड़ कटा है कश्मीर में, सनातनी के घर चढ़ के आया है इधर बांग्लादेश से, यहाँ इधर आया है। ममता बनर्जी जी का काफिला जा रहा था रोड से और सनातनियों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो ममता बनर्जी इस तरीके से उन लोगों पे टूटी हैं कि जैसे कि उनको वहीं पे खत्म कर देंगी जी। इस तरीके से और आती है पूजा करने जी, यहाँ पर यहाँ भी आई हुई थी दर्शन करने अयोध्या जी में। अच्छा, उनके खून में जो है सनातनी, वो पाखंडी है, सिर्फ पाखंडी है। दिखा 2024 में 400 पार एकदम कसम खा के, बिल्कुल बिल्कुल कसम खा के हैं सर। राम नगरी को अगर देखेंगे तो राम नगरी एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी राम नगरी विश्व का नेतृत्व करेगी, क्योंकि जैसे रामलला के विराजमान होने के बाद अबू धाबी में भगवान जी का मंदिर बना भव्य और दिव्य, मोदी जी ने वहां जाकर लोकार्पण किया, उस दृश्य को देखकर हर कोई अभिभूत है। तो ऐसे में अयोध्या नगरी में देश भर से कोने कोने से भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सनातन भव्य और दिव्य तो है ही है, सनातन अब कैसे कितना शिखर पर जाएगा। यहाँ जो कुछ साथी हैं उन सबसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम सिंह है जी। जी जी, मेरा नाम अनुपम सिंह है, पश्चिम बंगाल से आया हूँ, देखने दर्शन करने लिए आज ही आया हूँ जी। तो कैसा दर्शन रहा? दर्शन नहीं करा, नहीं अभी करेंगे। हाँ, अभी करेंगे। अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, देख के तो मन भर रहा है, जब बोल रहे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है जो यहाँ पर अगर जो भी जी बोल देगा जो आप अगर रह सकते हैं यहाँ पर रह जाए, आप लोग का बंदोबस्त तो हम लोग रह जाएंगे जी, जी, ऐसा लग रहा है जी। लेकिन पश्चिम भगवा बंगाल में भगवा खतरे में है ऐसा देखिए, पश्चिम बंगाल पे जो भगवा खतरे में है ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग। मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इशू क्या है, भगवा है, लेकिन आदमी का सोच मतलब सोच जो है वो पलटा, क्या बोलते हैं उसको जी, मतलब बंगाली में थोड़ा सा हिंदी दिक्कत है, ठीक है जी। तो भगवा चलेगा नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, भगवा है, लेकिन अगर देखिए आपका माँ बेटी अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो वहाँ पर जो चल रहा है वो दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत में है, ठीक है, सबका मन में डर है। लेकिन वो लोग क्या होता है, हम लोग का जो बाघ शादी में तो रहता है, यहाँ पर हम लोग जोर जोर से बोल रहे हैं राम जय श्री राम जय श्री राम। अगर वहाँ पर जय श्री राम बोलेंगे तो हम लोग को बोल रहे हैं जैसे राम का नाम ले रहे हैं, मतलब कोई भूत का नाम ले लिया ऐसा दिख रहा है, गाली दे रहा है। मतलब भारत वर्ष में ही रहकर राम का नाम लेने में डर है, डर है। ऐसा क्या सोच रहा है? देखिए राम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते थे, राम हम लोग का मतलब हम लोग का आराध्य है, हम लोग का देवता है, ठीक है। कोई तो पॉलिटिकल वो इशू नहीं है, वो तो झंडा लेके क्या बीजेपी का झंडा या टीएमसी का जो किसी का झंडा है, झंडा लेके नहीं घूम रहा था। तो ये लोग ऐसा कर दिया है जो राम ये बीजेपी का है, ये भगवान का है, राम हम लोग का है, हम सनातनी का है, हम सनातनी का है। ये लोग सोचना चाहिए, वो भी एक सनातनी है, जो भी बोल रहा है ये बोलना नहीं चाहिए। अरे सनातनी हो तुम लोग सब, राम का नाम लो, अगर शिव का नाम लेने से अगर कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा तो नहीं है जी जी। तो संदेश खाली में जैसे हुआ, वहाँ महिलाएं इतना डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वो अपनी आवाज ही नहीं कह पा रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी। जब मीडिया पहुंचा, लोग पहुंचे, तब उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। इसमें दोनों हम दो बात बोल रहे हैं जी। ये जो है महिला के जो लोग देखिए, वो लोग बोल रहे थे मीडिया जा रहे हैं कवरेज कर रहे हैं, बोल रहे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, कोई बोल रहे मुंह फेस ढका के बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए अगर हमारा माँ बहन के साथ कुछ होगा तो हम क्या बोलेंगे, जब तुम्हारा फेस दिखाओ, माँ को बोलेंगे तुम फेस लेकर मीडिया के सामने ना, नहीं बोलेंगे ना। तो अगर कोई दिखा रहा है बोलेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, अगर तुम्हारा क्षमता है तो फेस टू फेस बात करो उसके साथ, जो ढंगा हो तो रिपोर्टर में आ रहा है ना, रिपोर्ट में तो आ रहा है, फेस में कैमरा में, अगर मैं कैमरे के सामने आ रहा है तो आ रहा है, तो जाओ उसके साथ बात करो जो वो सही है गलत है, बहुत रहा है ना। अगर तुम शाम रात 12 का आज अरेस्ट क्यों हुआ, अगर बोल रहे थे जो ढाका का झूठ मूठ का था तब अरेस्ट क्यों किया अभी, अगर जब अरेस्ट कर लिया तब जो जा रहा है तो डाउन जा रहा है जी। पीछे पुलिस जैसे जैसे बोला था, जब लग रहा है पुलिस को अरेस्ट करके वो ले जा रहे जी, उसका जो एटीट्यूड है हम तो डॉन है जी, 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 ऐसा पकड़ रहे हम डॉन है, हम डॉन ही रहेंगे। ऐसा किया 7 दिन बाद किया, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अरेस्ट हो गया, लेकिन लगता है ऐसे अरेस्ट नहीं किया, उसको ला के जगह सेफ कर दिया
ऐसा हम लोग को लग रहा है, पब्लिक को लग रहा है, जाके एक एसी रूम में देगा, बिरयानी बिरयानी खिलाएगा, ऐसे बिठाएगा, ऐसे लग रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जी जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, भूमि हरिद्वार। हाँ, वही उत्तराखंड जहाँ पर अवैध मजारों पे धड़ाधड़ बुलडोजर चले हैं। नहीं, वो तो सही चल रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इतना। जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बताया जा रहा है, राम जी के जयघोष करने पे डर लगता है, महिलाओं का शोषण होता है, वो अपनी बात बता नहीं पाती हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है, ममता बनर्जी जी का। जी, वो वहाँ पे जय बांग्ला बुलवाती हैं, राम के नाम से उन्हें नफरत है। जी, वो ये बोलते हैं वहाँ पे राम का नाम नहीं बोल सकते आप, पश्चिम बंगाल में जय बांग्ला बोलिए। जी, तो लगता है क्या कि वो हिंदू हैं या कुछ और है? वो हिंदू कहाँ से हैं? अच्छा। वो हिंदू है ना ना, वो उसमें है। अच्छा। उनका कोई धर्म ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, झुंड इकट्ठा तो हो रहा है उनका वो। हाँ। मगर शेर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। जी, धर्म के नाम पे है फर्जी, धर्म के नाम पे है, वो भी राम मंदिर के दर्शन करने आई थी। जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का काफिला जा रहा था रोड से, और सनातनियों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो ममता बनर्जी इस तरीके से उन लोगों पे टूटी हैं कि जैसे कि उनको वहीं पे खत्म कर देंगी। जी, इस तरीके से आती है पूजा करने। जी, यहाँ पर तो यहाँ भी आई हुई थी दर्शन करने अयोध्या जी में। अच्छा, तो उनके खून में जो है सनातनी, वो पाखंडी है, सिर्फ पाखंडी है, दिखावा दिखावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई धर्म नहीं है। और एक बात आपको बोलना है, और एक बात बोल देना है, आप पूछ रहे थे, आप बोल रहे थे जो हम लोग का, कोई कोई बोल रहा है हमारा मस्जिद संकट में, हम लोग का धर्म संकट में। तो हम बोल दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, किसी का धर्म संकट में नहीं है। जी, अगर हमारा मंदिर था, हमारा घर था, हमारे पास कागज है, हमारा घर दखल करके रखा था किसी ने, हम घर आज वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। किसी का मस्जिद हम लोग नहीं ले रहे। आदिना मंदिर था, उसी मंदिर था। जी, ठीक, उसमें प्रमाण मिला है, तो किसी को मस्जिद बना दिया गया था, हम किसी का मस्जिद नहीं ले रहे, ये सोच गलत है, ये सुन मंदिर हम आज वापस ले रहे हैं, हम किसी का मस्जिद नहीं ले रहे ना। तो किसी का दिखा देंगे, कोई बोल देगा जो हमारा मस्जिद ले रहा है, प्रूफ करने बोलिए, लेकिन ये बाबरी मस्जिद चल रहा था, प्रूफ हो गया ना इनाम मंदिर था। जी, तो आज तो शेर की तरह बोल रहे हो, लेकिन उन लोगों का कहना है कि सुरक्षित कितने दिन तक रख पाओ आप? एक प्रूफ दे दीजिए, एक प्रूफ दे दीजिए, एक सनातनी ने कोई मुस्लिम भाई को गर्दन से उड़ा दिया हो, मारा हो, कोई प्रूफ दे दीजिए, हम मान लेंगे, लेकिन हम लोग प्रूफ दे सकते हैं? सनातनी का धड़ कटा है कश्मीर में, सनातनी का घर छोड़ के आए हैं इधर बांग्लादेश से, यहाँ इधर आया है। जी जी जी, फिर अच्छा, ये विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, विपक्ष एकजुट हो रहा है, शेर का कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी, वो विपक्ष कहाँ एकजुट हो पा रहा है? जी, वो अलग खींचातानी मचा रहे हैं, वो अलग खींचातानी मचा रहे हैं, कहाँ से एकजुट हो पा रहा है? उनका गठबंधन ही नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से विपक्ष एकजुट हो पा रहा है? और मोदी जी का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, देखिए, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, तो आने वाला है टाइम 2024 में 400 पार, 400 पार एकदम कसम खा के, बिल्कुल बिल्कुल कसम खा के आए सर। ऐसा नहीं भाजपा वालों ने कोई नहीं सर दिया? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, हम लोग सनातनी है। अच्छा, और हम लोग अपने तो कौन सा अनुभव बता रहा है, कौन सा गणित बता रहा है, कौन सा मोदी जी के जो विकास कार्य है वो धरातल पे है, हवा हवाई नहीं है। जी, इसलिए जनता उनको बार बार चुन रही है, इसीलिए मोदी की गारंटी। जी, आप देखते होंगे मोदी की गारंटी है। अच्छा, हर जगह आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ माताएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग मुंबई से, मुंबई से आए हैं। जी, कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। दर्शन हुआ क्या रामलला? हुआ, मस्त हुआ, एकदम नजदीक से हुआ। जी, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का दृश्य देखकर कैसा? बहुत अच्छा लगा, मन अभिभूत हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अयोध्या नगरी देख के। लेकिन अभी हमारे ही देश का अंग पश्चिम बंगाल, जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, उनका शोषण हो रहा, वो अपनी आवाज भी नहीं कह पाती हैं। जी, बोलो, उठाना चाहिए सभी को, आगे आना चाहिए, आना चाहिए भी। जी, उसमें सब लेडीज को सहयोग बनना चाहिए। जी, इस बार पहली बार महिलाओं ने वहाँ आवाज उठाई, तब जो आरोपी था, जो इस तरह का कृत्य कर रहा था, वो गिरफ्तार हुआ, नहीं तो वो डर के नाते बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, हमारे यहाँ पे भी लेडीज सब उसके लिए आगे आ रही है, मुंबई से भी आ रही है सब लोग। जी, सब हर जगह से, जैसे कि हर एरिया से आ रहे हैं सब लेडीज लोग। जी, और महिलाओं के लिए, संगठन के लिए सब
कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी महिलाओं का ये कहना है कि अगर गलत है तो ये आवाज जो है गलत के खिलाफ जरूर उठानी चाहिए। अगर संदेश खाली में जो हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। जो जा रहे